नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो अभी चतुर्वेदी में। अभिषेक चौबे आज लेकर आया हूँ 2023 की भविष्यवाणियाँ कुंभ राशि के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वीडियो को लाइक कर लें। देखिएगा, बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणियाँ की हैं 2023 में, इस मंथ में ये होगा, इस मंथ में वो होगा। हमने सोचा क्यों ना हम भी भविष्यवाणियाँ आपको करते हैं, और बहुत इसका अध्ययन किया हमने। अभी भी हम अध्ययन ही कर रहे थे, देखिएगा आप लोग यकीन नहीं मानोगे। तो मुझे लगा कि हमें वीडियो भी बना देना चाहिए, ठीक, तो हम लेके आ गए हैं। लेकिन ये जानकारी हम किस आधार पे दे रहे हैं पता है आपको? चंद्र राशि के अनुसार, साथ ही गोचर के अनुसार दे रहा हूँ। चंद्र राशि अगर आपको नहीं पता है, तब आप नाम राशि से देखवा सुन सकते हैं, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रहेगी। आपने देख लिया है, एक महीना तो आपका वैसे ही निकल गया है जनवरी का, फरवरी भी आपका निकलने वाला है। तो यहाँ पर हम आपको जो भविष्यवाणियाँ कर रहे हैं, ये लव लाइफ साथ ही कैरियर, आपके अगर किसी से लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या फिर कर्ज वाली नौबत आ गई थी, या जॉब को लेकर आप परेशान थे, इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको जानकारी देंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगे, और अगर आप और किसी राशि के बारे में चाहते हैं कि सर इस राशि का भी आप बताइए, भविष्यवाणी कीजिए, तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं पुनः बता दूं, आप सोचो कि आप पे पूर्ण रूप से ये चीज़ लागू हो जाए, तो हम इसकी गारंटी नहीं लेते हैं। इसका रीजन, क्योंकि चंद्र राशि तो ठीक है आपको पता ही है, लेकिन गोचर आप पे पूर्ण रूप से लागू हो जाए वो हम नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि कुंडली में हो सकता है कि आपके कोई दिक्कत होगी, दिक्कत होगी तो आप पे लागू नहीं होगी ये भविष्यवाणी, और दिक्कत नहीं होगी तो 100% आप पे लागू होगी। जैसे कि मान लीजिए, हम यहाँ पर आपको जो बता रहे हैं 2023 में, अगर आप किसी के साथ कई साल से आपका रिश्ता चला आ रहा था, आप कुंभ राशि के किसी भी राशि का पार्टनर क्यों ना हो, उसके साथ आपकी 2023 के फरवरी और मार्च में, ये दो मंथ के अंदर में आपकी राशि किसी भी राशि का पार्टनर क्यों ना हो, लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। यहाँ तक कि 2023 में ब्रेकअप की तक नौबत आ जाएगी, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाएगी, ये मैं 100% कह सकता हूँ। अगर आपकी कुंडली में कोई दिक्कत नहीं रही, थोड़ी बहुत भी अगर आपके पंचम भाव आपका शनि से या फिर राहु से पीड़ित है, और आप उनकी प्रत्यंतर से आ गई, तो आपके साथ यही होगा जो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, पहली भविष्यवाणी, ठीक है। दूसरी भविष्यवाणी, अगर आप जॉब को लेके परेशान थे, कैरियर में आप बहुत मेहनत करते हो, चीज़ें आपको बहुत लेट मिलती हैं, ये तो कुंभ राशि वालों के साथ होता ही, बेचारे बहुत मेहनती भी होते हैं और ईमानदार भी होते हैं, लगनशील पर्सन होते हैं, लेकिन उनको प्रायः देखा जाता है कि बहुत मेहनत के बावजूद भी इनको सफलता मतलब सडनली मिलते मिलते चीज़ हाथ से छूट जाती है। तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलेगी, 2023 के अप्रैल से लेके जून के बीच में आपको कोई सफलता मिलेगी। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट के तो आजकल वैसे भी कम जॉब निकल रही है, लेकिन आप फॉर्म अगर भर रहे हैं और आप मेहनत अच्छी कर रहे हैं, तो 100% आपकी वहाँ जॉब लगेगी। या फिर आप जॉब चेंज करना चाहते हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जॉब चेंज कर सकते हो, यहाँ पर आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है, ठीक है। लेकिन ये किन लोगों पे लागू होगी? जिनकी कुंडली में भैया कोई दिक्कत ना हो। अब बात कर लेते हैं, अगर आप कोर्ट कचहरी से परेशान थे, आपका कोई पर्सन, कोई भाई बहन, या फिर आप पे झूठे मुकदमा लग गए थे, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कोई तलाक का केस चल रहा था, तो यहाँ पर 2023 के आपको नवंबर मैं वो केस से मुक्ति मिलेगी, मतलब जो आप गलत फंसे थे उससे आप छूट निकल आओगे उस केस से। साथ ही अगर आपका लॉन्ग टाइम का कोई केस चल रहा था कोर्ट में, तो उस वो उसका डिसीजन मतलब फाइनल केस उसका हो जाएगा, फाइनल है ना, आप उससे छूट जाओगे, उस केस से वरी हो जाओगे, ठीक है ये हो। और अगर आप उसमें दोषी नहीं थे, आपको आप निर्दोष हो, तो उसमें वो जो भी केस चल रहा हो वो आपके पक्ष में ही उसका फैसला आएगा, ठीक है। तीसरी भविष्यवाणी, ये हम तीन तो कर चुके हैं, चौथी भविष्यवाणी, अगर आप कर्ज में थे, आप पे चाहे आपने लोन ले रखा हो और काफ़ी दिन से आप इसी टेंशन में हैं कि कैसे उस कर्ज को आप चुकाएं, तो 2023 के आपके दिसंबर के महीने तक आप उस कर्ज से मुक्ति पालोगे। अगर भैया कुंडली में आपके दोष नहीं है, तो 100% आप उससे मुक्ति पालोगे, ठीक है। अब बात कर लेता हूँ
पांचवी भविष्यवाणी, सॉरी पांच तो ही, छठवीं भविष्यवाणी, अगर आपकी लाइफ में जैसे कि मान लो कोई नहीं है और आपको लगता है कि अकेलापन आप महसूस कर रहे हैं, ना ही आपकी शादी का कहीं संयोग बन पा रहा था, तो आपको एक खुशखबरी मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए तो 100% लव लाइफ में हो, चाहे आपका कोई एक्स वापस मतलब चला क्यों ना गया हो, आप उसको मतलब अपनी लाइफ में लाने के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं, परेशान थे, तो वो वापसी करेगा। ठीक है, ये हमने आपको छह भविष्यवाणियाँ बताई हैं जो कि सत्य होंगी आप पे, अगर कुंडली आपकी जो ऐसा हमने कहा अगर दिक्कत नहीं है तो वही आपके साथ होगा जो हमने आपको बताया है। ठीक है, और भी अगर आप जानना चाहते हैं कुंभ राशि के बारे में तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको बिल्कुल बता देंगे। ठीक है, पुनः कहेंगे अगर आप रियलिटी जानना चाहते हैं आपके साथ कब क्या होगा, आपके पास डेट ऑफ बर्थ और जन्म का टाइम होना चाहिए, आप अपनी कुंडली का अध्ययन करवा सकते हैं, हमारे यहाँ फीस जरूर लगती है बट आपको सत्य बताया जाता है और लोगों की तरह मिसगाइड नहीं किया जाता है। ठीक है, और झूठ अगर सुनना हो तो भैया हमारे यहाँ बिल्कुल भी आप वो उम्मीद मत करना कि आप मुझे कॉल कर दो और आपकी बातें सुन सुन के मैं आप ही के बोल दूं कि आपके साथ ये हो जाएगा, आपका पार्टनर वापस आ जाएगा, हमारे यहाँ वो नहीं है, जो सत्य वही बताया जाएगा। ठीक है, चलिएगा आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं एस्ट्रो अभि चतुर्वेदी के नाम से, वहाँ भी आप मेरे फीडबैक पढ़ सकते हो। ओके, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।